चंदौसी कोतवाली में आयोजित थाना समाधान दिवस में राशन डीलर की शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी, कहते हैं राशन डीलर राशन नहीं देता। आपको बता दें कि आज जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली परिसर में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा भी उपस्थित रहे। इस दौरान बनियाखेड़ा विकास खंड के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर काशी निवासी एक व्यक्ति राशन डीलर की शिकायत लेकर समाधान दिवस में पहुंचा और वहां जिलाधिकारी से राशन डीलर द्वारा राशन नहीं देने के बात कही और जिन लोगों को राशन देता भी है तो कम राशन देता है। इस विषय में जब शिकायतकर्ता से बात की गई तो उसने बताया कि उसके गांव में मुन्नी के नाम पर राशन की दुकान है जिसे उसके पिता संचालित करते हैं, लेकिन वे कार्ड धारकों को पूरा राशन नहीं देते हैं। उसने बताया कि राशन डीलर पहले अंगूठा लगवा लेते हैं और कहते हैं कि आपका अंगूठा नहीं आया, आप अगले महीने राशन ले लेना। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के डीलर की दुकान खत्म होनी चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति को मिलनी चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? फाजिल। आज आप यहाँ पर समाधान दिवस में आए, क्या मामला है? जी सर, मेरा ये कहना था जो राशन डीलर मोहम्मद काशी का, वो राशन नहीं दे रहा और राशन लेने जाते हैं तो ये कहता था नहीं मिलेगा। क्या नाम है डीलर का? मुन्नी। मुन्नी? मुन्नी। वो खुद चलाते हैं? क्या नाम है पिता का? भूरे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जैसे ये हम राशन लेने जाते हैं, दो दिन पहले तो अंगूठा लगवा लेता है वो, अंगूठा लगवा कहता तुम्हारा अंगूठा नहीं आया तो मैं गल्ला अगले महीने ले लेना। ठीक है। और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ? तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ? हमारे साथ नहीं, 25-30 लोगों के साथ ऐसा हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? और मतलब ये है, अब जैसे हम जाते हैं लेने तो इधर है नोट है तो उन्हें 20 किलो 15 किलो ऐसे देता है, काट के कम देता है, कम देता है और गाली गलौज करता है। आज आपने शिकायत जो की किससे की है? शिकायत जो की है हमने यहाँ पे की है थाने के डीएम साहब से। डीएम साहब से शिकायत की है। तो क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं इससे 15-20 साल गाली गलौज हुआ, सपोर्ट खत्म हो चुकी है।